कांवड़ यात्रा इन दिनों अपने पीक पर चल रही है। हरिद्वार नगरी कांवड़ियों के रंग में रंगी हुई है। हरिद्वार में अब तक सबसे महंगी कांवड़ की कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन किसी भी वित्त अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की। ये कांवड़ उत्तर प्रदेश के मेरठ से यहाँ पहुँची है। हरिद्वार पहुँची ये कांवड़ आकर्षण का केंद्र भी रही। इसके लिए 10 से 15 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। वहीं बढ़ती गर्मी के बीच हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों का आना लगातार जारी है। हरिद्वार के ओमपुल के पास खड़ी कांवड़ियों की बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 4 बाइक एक साथ खड़ी थी, जिसमें एक बाइक में आग लगने के बाद वहां खड़ी 3 बाइक भी इसकी चपेट में आ गई। कोरोना काल के बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जाम की स्थितियां कई जगहों पर बन रही हैं। हरिद्वार के डीएम के नेतृत्व में हरिद्वार प्रशासन भी कांवड़ियों की सेवा में लगा हुआ है। जल की व्यवस्था के साथ साथ कांवड़ियों को जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। डैम कोठी का जो गेस्ट हाउस है, तो एक जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने कहा कि जो कांवड़ यात्री इधर से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए भी शीतल जल और कुछ खान पान की व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है और माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी किया गया और उनकी जो भी सेवा हो सकती है वो हम लोगों ने आज की। बाइक सर निरीक्षण मेला पूरा ठीक है, कहीं से गाड़ी से चलने की स्थिति नहीं है, बाइक से आपने बेची कहाँ कहाँ करके फिर। देखिए आज जो आप हालात देख रहे हैं कि लगभग सारी रोड हमारी पैक हो चुकी है, बस एक अच्छा ये है कि जो हमारे हरिद्वार के यहाँ के मूल निवासी हैं उनको दिक्कत ना हो, तो आप इंटरनल सिटी में जाकर देखिए वहाँ परिस्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है। और अगर उनको भूपतवाला की तरफ जाना है तो हिल बाईपास का भी आदेश हमने कर दिया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमने रात में आदेश करके उसके ताले खुलवा दिए हैं। आज उस रास्ते का भी प्रयोग किया जा रहा है, उससे काफी रिलीफ हो गई है। अभी तक जो कांवड़ यात्री हैं लगभग 2.25 करोड़ के आसपास कल तक थे, आज का जो जन सैलाब दिख रहा है मुझे लगता है कि ये करीब 78 लाख से 1 करोड़ के बीच आज लोग हैं, लेकिन इसका हम एग्जैक्ट आकलन आपको शाम तक दे पाएंगे। निरीक्षण भी किया बाइक से पूरा जी। आप चूंकि हमारे साथ और भी प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, पुलिस फोर्स भी रिजर्व की रहती है, तो मैंने ये उचित समझा कि अगर हम वाहनों के माध्यम से जाएंगे तो आम कांवड़ियों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि आज रश बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने कहा कि आज मोटरसाइकिल से ही निरीक्षण किया जाएगा ताकि मूवमेंट में भी हम लोग स्मूथली मूव कर सकें। सावन के दूसरे सोमवार के दिन हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में भी शिव भक्त जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंचे। माना जाता है कि सावन के पूरे महीने शिव अपनी ससुराल कनखल में ही निवास कर सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार के दिन सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने पे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने भारी मात्रा में पहुँच रहे हैं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।